हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा। ये सेकेंड पार्ट है केरला का, जो वहाँ बायोलॉजी का पेपर हुआ है उसका ये सेकेंड पार्ट है, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन का टीचर के लिए पेपर हुआ है, सीनियर टीचर का, उसका ये पेपर है। और ये किसका पेपर, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, केवल हमें बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने हैं कि कितने अच्छे क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, कि अक्सर चक्कर आ जाए ऐसे क्वेश्चन दिए, तो इनको पढ़ना हमें लगा कि आप तक पहुँचाना जरूरी है, चूँकि आप KVS और NVS आदि की तैयारी कर रहे हैं और केरला का जो साक्षरता दर है बहुत ज़्यादा है, तो पेपर भी बड़ा उनका अच्छा है, तो ये आपके लिए इस तरह से महत्वपूर्ण। ये किसका है, ये हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो चलो शुरू करते हैं, ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इससे पहले हमने मेंशन आपको कर दिया है। द नोबेल प्राइज इन द केमिस्ट्री 2009 वॉज द अवार्डेड द वेंकट रमन रामकृष्णन, थॉमस ए स्टिड्स एंड एड अड ई योनाथ फॉर। तो इन्होंने जो 2009 में नोबेल दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ये नोबेल दिया गया था इनको किसके लिए दिया गया था, तो वो दिया गया था डिटरमाइनिंग द डिटेल्ड स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ द राइबोसोम। इन्होंने स्ट्रक्चर राइबोसोम का और डिटेल मैकेनिज्म दी थी। देखिए बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन है, 2009 के नोबल्स का बिल्कुल अपडेट इन्होंने क्वेश्चन दिया है। इन्होंने बहुत पुराना नहीं पूछा, बिल्कुल अपडेशन पूछा है कि बच्चों में कितनी अवेयरनेस है अपने सब्जेक्ट को लेकर। तो आप देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन द लेमन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन लेमन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो आप समझ नहीं सकते हैं किस प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लेमन में किया जाता है, तो जो अक्सर आप समझ नहीं सकते हैं, तो चलो देख लेते हैं। इसमें किया जाता है स्टेम जो कटिंग है, इसके माध्यम से इसका प्रोपोगेशन किया जाता है, स्टेम कटिंग से। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो इज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन। तो देखिए स्वीट पोटैटो और पोटैटो, अभी तक हम ये पूछ रहे थे मतलब एनिमल्स की बात करते थे कि कौन सा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। यहाँ देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो स्वीट पोटैटो है और जो पोटैटो है, रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन कौन सा है, तो ये जो है एनालोगस है। कौन सा है, एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट करेक्टराइज्ड बाय द, वो कौन किसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। तो वो निक्टेंथस है जिसमें कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं। फिर कहता है नोड्स आर फॉर्म इन द वुड्स। जो नोड्स होते हैं आर फॉर्म्ड इन वुड, किससे होते हैं, तो देख लेते हैं इसको। तो ये ब्रांचेस गेट वर्ड द एम्बेडेड इन द स्टेम। लेंटिकल डू नॉट अकर इन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि लेंटिकल कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो रूट में भी बता रहा है, फ्रूट में, स्टेम में भी कहता है, मगर लीफ में हमें लेंटिकल देखने को नहीं मिलते हैं। पी प्रोटीन इज फाउंड इन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पी प्रोटीन शायद आपने पता भी ना हो कि पी प्रोटीन होती क्या है, तो पूरी प्रोटीन, तो पी प्रोटीन इज फाउंड इन, तो पी प्रोटीन किस में पाई जाती है, आपने शायद सुना ही ना हो कि पी प्रोटीन क्या होती है। कोलेनकाइमा, फ्लोएनकाइमा, सीप ट्यूब्स और जाइलम वेसल्स, तो ये सीप ट्यूब में पी प्रोटीन देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लकनाई इन द वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकार्टिस्टेम इज, द लकनाई इन द वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकार्टिस्टेम इन, तो ये होता क्या है, तो ये होता कैसा है, लाइसीजिनस वाटर कैविटी होती है। जो क्या होता है, लाइसीजिनस वाटर कैविटी होती है। लकनाइन वैस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकार्टिस्टेम में ये कैसे होती है, लाइसीजिनस वाटर कैविटी होती है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द ग्रोन बाय द ट्रांसप्लांटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग,
बताइए भाई। मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ओनियन। क्या है? ट्रांसप्लांटिंग ग्रोन बाय द ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग ओनियन की जाती है, मतलब बोया कहीं जाता है, लगाया कहीं जाता है। मगर इन्होंने देखते हैं क्या आंसर दे रखा है, इन्होंने दे रखा है मेज, जबकि हमें मेज नहीं लगता है, ओनियन लगता है। आप हमें इसको कमेंट्स करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ध्यान रखिएगा 44 क्वेश्चंस का हमें आप बताइएगा। हमारे हिसाब से तो ओनियन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटिंग, तो हमारे हिसाब से ओनियन है और आंसर मेज है इसमें, आप बताइएगा। कोबाल्ट इज एसोसिएटेड विद, तो कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 के साथ एसोसिएट रहता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। हु एमंग द फॉलोइंग इज द कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें से जो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन है, तो वो है पॉल बर्ग जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, इसमें कौन सा ऐसा है जो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, तो वो ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज नॉट है, तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स और स्मोक, वो क्या है, स्मोक। अब आप कहेंगे सर स्मोक क्या, देखिए जो धुआं में पार्टिकल्स होते हैं तो जैसे ही वो ठंडे होते हैं तो सब आके गिरने लगते हैं, धुएं के पार्टिकल्स जो होते हैं कार्बन होता है वो गिरने लगता है। दोस्तों स्मोक की जगह अच्छा सा आंसर यहाँ डी की जगह हम ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या ले लेते हैं हाइड्रोकार्बन, चूंकि स्मोक में हाइड्रोकार्बन होता है तो वही स्मोक, तो हमारे हिसाब से सही नहीं है, इसका ऑप्शन सी सही है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हमें इस पे कंफ्यूजन है तो ये हाइड्रोकार्बन आप लगाइएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इको फ्रेंडली, तो वो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है वो इको फ्रेंडली होती है। नेम ऑफ द प्लांट विच इज नोन ए टेरर ऑफ बंगाल, तो बंगाल का जो टेरर है तो जिसे जलकुंभी जानते हैं, वाटर हाइकेंथ जो है ये बंगाल का टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। एंजियोस्पर्म सीड्स विथ पेरिस्पर्म, एंजियोस्पर्म सीड्स विथ पेरिस्पर्म देख लेते हैं, इसका ऑप्शन सही है ब्लैक पेपर एंड वीट, इसका आंसर क्या है ब्लैक पेपर एंड वीट। चलो दिखा देते हैं कहाँ ये लिखा हुआ है, देखिएगा। गिव द एग्जांपल एन एंजियोस्पर्म सीड दैट हैज द पेरिस्पर्म नैट दैट द पेरिस्पर्म डबर द, तो ये ब्लैक पेपर एंड वीट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लांट प्रोपोगेशन टेक्निक प्रैक्टिस्ड इन पोमोग्रेट, तो उसमें क्या दिखा रहे, ये ऑप्शन है इसका गोटी, चलो इसको भी देख लेते हैं। तो ये पोमोग्रांटी होगा पूरा, ये थोड़ा सा शॉर्ट दिया पोमोग्रांटी होगा, तो इसमें एयर लेयरिंग के द्वारा होता है, किसके तो एयर लेयरिंग, ये गोटी भी कहीं कहीं दिया होता है तो एयर लेयरिंग भी करता है और कहीं कहीं गोटी भी आंसर है, तो यहां हम इसको गोटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे गोटी, ध्यान रखना। तो ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द स्टेज सेल डिवीजन वर सजेशन इन द इंडिपेंडेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम अकर, तो कौन से में क्रोमोसोम पेयर पाए जाते हैं, तो प्रोफेस में पाए जाते हैं। नेम ऑफ द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, तो वो कौन सा एंजाइम है जो टीआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है जो टीआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन क्रोमोसोम्स, तो वो कौन सा क्रोमोसोम्स है जिसमें सबसे ज्यादा जीन्स पाए जाते हैं, तो वो पहला क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट जिसमें सबसे ज्यादा जीन्स पाए जाते हैं। ए मैरीन एंजियोस्पर्म इज, तो देखिए यहाँ ये वॉल्फिया लैमना और ये जो है ये फ्रेश वाटर है, मैरीन जो है वो जोस्टेरा जो है वो मैरीन एंजियोस्पर्म है,
तो वो क्रोमोसोम कौन है जो स्टेरा है, जो मैरीन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैरीन एंजियोस्पर्म कौन सा है? तो वो जो स्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कलर टैग ऑफ ब्रीडर सीडीज, वो कौन सा कलर टैग करते हैं ब्रीडर सीड के लिए, कौन सा कलर है? येलो करते हैं, व्हाइट करते हैं, पर्पल करते हैं, तो वो जो कलर हम टैग करते हैं ब्रीडर सीड के लिए, तो वो ब्लू कलर है जो हम टैग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फ्रूट क्रॉप दैट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय द एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इज, द फ्रूट क्रॉप दैट कैन बी प्रोपोगेटेड बाय द एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इज, तो वो कौन सा है? तो वो है सीट्रस। वो कौन सा है? सीट्रस। तो वो फ्रूट क्रॉप कौन सी है, कैन बी प्रोपोगेटेड बाय द एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, तो वो है सीट्रस। एंड इंडेंजर्ड कार्निवोरस प्लांटीज, तो वो इंडेंजर्ड जो कार्निवोरस प्लांट, कितना अच्छा क्वेश्चन है, तो वो है निपेंथस है, तो वो कौन सा निपेंथस है जो कैसा है इंडेंजर्ड कार्निवोरस प्लांट है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, उम्दा क्वेश्चन है। व्हाट इज द कार द नेचर नेचर्स सुपर मार्केट, वो कौन है जो नेचर का सुपर मार्केट कहलाता है? तो नेचर का सुपरमार्केट जो है वो कोकोनट है, वो जो नेचर का सुपरमार्केट कहलाता है, तो वो कोकोनट प्लांट से पाम है, कोकोनट पाम। अब आपको अगर इसमें कोई और आंसर नजर आए तो वो मुझे जरूर बताइएगा, मगर उसके लिए थोड़ा सा हमें डिटेल भी बताइएगा, क्योंकि ये हमारे लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है, तो मैं भी थोड़ा सा इसमें जिज्ञासा रखता हूँ आपसे जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।